खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, कितने पूरा जो मुकाबला है वो बीजेपी और गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी गुटबाजी नहीं है। कितनी सीटें आएंगी सर? बहुमत आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं बीजेपी के नेता कहते हैं कि अगला नंबर आपका होगा, इस पर सर क्या कहेंगे? सर कोई बात, ऐसा है निराधार बात कभी नहीं हो सकते। मेरे को पूर्ण विश्वास है जुडिशरी पे, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। मेरी सरकार के समय मेरे से में कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं हुआ। भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना है क्योंकि बीजेपी के नेता अपनी चुनावी रैलियों में भूपिंदर सिंह हुड्डा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। कई मामले जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर दर्ज हैं उनको लेकर जनता के बीच संदेश देने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, जो पिछले 5 सालों में मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद बंद या कम हो चुका है। लेकिन फिलहाल भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आज गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर लिया है और वो अपनी और पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। मेरे सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, हरियाणा।